मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर, तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। भारत ने फैसला दिया है और तकरीबन एक आवाज में फैसला दिया है कि वो चाहता है कि आइंदा 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत भारत में रहे और नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम रहें। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहचान पाकिस्तान भारत में या भारत के बाहर चाहे कुछ भी हो, भारत के अवाम में या भारत की हिंदू अक्सरियत ने आज एक जबान होकर भरपूर अंदाज में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चुना है और तमाम अंदाज़ों से ज़्यादा उनकी सपोर्ट का फैसला किया, तमाम अंदाज़ों से ज़्यादा उनको वोट दिए और हर लिहाज से चौंका देने वाली कामयाबी है जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अब तक के नतायज जो कि सरकारी तौर पे आ रहे हैं नतायज और अब ऑफिशियल नतायज हैं, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 300 और उसके इत्तेहादियों ने 349 नशस्तें हासिल की हैं उस ऐवान में जहां पर उसे 272 नशस्तों की ज़रूरत थी हुकूमत बनाने के लिए, और तमाम नतायज और एग्ज़िट पोल्स जो इस हवाले से आ रहे थे उनसे कहीं ज़्यादा ये कामयाबी हासिल हुई है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने इस दफ़ा 300 नशस्तें हासिल की हैं, गोया के अगर वो चाहे तो तन्हा भी इलेक्शन बना सकती है, वो अक्सरियती जमात बन गई है। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन में जाने से पहले गो के मुखालफीन और बैन अल-अक़वामी जायजे ये कहते थे कि इस दफ़ा उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा वोट मिले, कम मिलेंगे वोट, लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना था कि पहले से ज़्यादा वोट मिलेंगे और इस दफ़ा लोकसभा में 300 पार होगा, यानी कि वो 300 से ज़्यादा नशस्तें हासिल करेंगे और 300 नशस्तें हासिल करके बहरहाल दिखा दिया नरेंद्र मोदी ने। अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। आयो रे मोदी आयो रे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर है, आधी है, सुनामी है। सुनामो ब्रेकिंग आउट ऑफ द स्क्रीन्स कमिंग ऑन टू द सेट्स हियर। सर झुका करके नमन करता हूं, इस फकीर की झोली को भर दिया। भारत भर में मोदी मोदी के नारे हैं और उसके जवाब में पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को इंतखाबी कामयाबी पर आज फौरन ट्वीट की, उनको मुबारकबाद दी और इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी और उसके इत्तेहादियों पर कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में अमन और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए उनके साथ काम करने के लिए पूरा उम्मीद हूं। ये वो उम्मीद है जिसका इजहार इलेक्शन से पहले, भारतीय इलेक्शन से पहले बारहा इमरान खान करते रहे हैं। एक कोशिश थी कि ये हमारी आगे बातचीत बढ़े, टेंशन्स कम हो, डायलॉग से मसले हल हो। इनकी जो भी कैंपेनिंग है उसका हिस्से में ये नहीं है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हो। इलेक्शंस के बाद हमने सोचा कि हम आगे बातचीत बढ़ाएंगे। हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान एक नए रास्ते पर निकल चुका है, अमन के रास्ते पर निकल चुका है। हमारा थोड़ा सा शायद मसला हो हिंदुस्तान के इलेक्शंस तक, लेकिन इंशाल्लाह हमारी सारे नेबर से, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, जब इनके इलेक्शंस हो जाएंगे हमारे सब सारे नेबर से हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे। मैंने जब नरेंद्र मोदी से बात की शुरू में तो उसको भी मैंने ये कहा, हमें चाहिए कि हम मिलके अब आपस में अपने मसले हल करें, डायलॉग से मसले हल करें और हम अमन कायम करें, तजारत हो ताकि हम उर्बत कम कर सकें।
इलेक्शन कैंपेन के शोर में ये बयान बहुत ज़्यादा हमने सुना नहीं, इसकी गूंज बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन कुछ इसी किस्म के जज्बात का इजहार नरेंद्र मोदी ने भी किया था और अभी इलेक्शन से इसके सीज़न में उन्होंने इसी किस्म की बात इमरान खान से कही थी। और पाकिस्तान के हवाले से भारत में एक इवेंट से खिताब करते हुए 4 मई को नरेंद्र मोदी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की थी। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूँ, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतने बार हमने लड़ाइयाँ लड़ ली, ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़ें, हम अपने आवाम का भला करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा, मैं सच बोलता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। क्या वो नई शुरुआत होगी, क्या इसका वक्त आ गया है? इमरान खान का कहना यह था कि भारत में इंतखाबात खत्म होंगे तो नई शुरुआत का वक्त आ जाएगा। इससे पहले खबरें आती रही हैं मुसलसल के दोनों मुल्कों के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी थी, जारी है, और इसमें शायद नई सूरत हाल पैदा हो। बहरहाल भारतीय इलेक्शन हो गए हैं जो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन हैं, और इस हवाले से हम बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं कई किताबों की मुसन्निफ हैं, भारत में सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत ही मुमताज़ एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ राना अयूब हैं, मोहतरमा राना अयूब हमें स्टॉकहोम से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना अयूब साहिबा, आप बताइएगा कि आज के जो नतज हैं, जो रिज़ल्ट आए हैं इलेक्शंस के, इसके मायने क्या हैं आप जैसे लोगों के लिए जो जो इंडियन हैं, और आप खुद इसको कैसे देखती हैं? देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ने अपना एक डिसीजन जो है आज दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया है, तो इस डिसीजन को इसे हमें ऑनर करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है हिंदुस्तान में, एक तरह से एक राइट विंग कैंपेनिंग हुई है, एक जिस तरह से एक हिंदू नेशनलिज्म की कैंपेनिंग हुई है, कहीं ना कहीं जहाँ सब जो मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, उसको मद्देनजर ना रखते हुए ये कैंपेनिंग हुई है। लोगों को बांट कर उनको अलग अलग खित्तों में, उनको अलग अलग सेक्टेरियन वायलेंस के थ्रू उनको जो कैंपेनिंग हुई, तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट अब डेमोक्रेसी ने सुना दिया है, इसे हमें रिस्पेक्ट करना होगा। लेकिन जो तरीके अपनाए गए थे इस बार, जो स्पीचेस हुई हैं इस बार, वो इंडिया की सेक्युलर डेमोक्रेसी को सूट नहीं करती हैं। राणा साहब तो ये बताइएगा इसके मायने, इसकी इंटरप्रिटेशन कीजिएगा इस रिजल्ट की, इंडिया में माइनॉरिटीज के लिए, दलित्स के लिए, मुसलमानों के लिए ये नतीजा जो इतनी बड़ी भरपूर अंदाज में सामने आया है, इनके लिए, इन माइनॉरिटीज के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए पिछले 5 साल में तो एक ऐसा माहौल बनाया गया है जहाँ जो दलित हैं हिंदुस्तान के, जो लोअर कास्ट हैं, जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए एक डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे लिंचिंग्स हुई हैं, लोगों को बीफ खाने के इल्जाम पर उनको सड़कों पर उनको मारा गया है, और जिस तरह से स्पीचेस में जो मोदी जी की हैं या बाकी लीडर्स की जो स्पीचेस हैं, जहां उनको इन्फिल्ट्रेटर्स कहा गया है या कुछ पैठे कहा गया उन पर कई जबान में, तो जिस तरह का जिस जबान इस्तेमाल की गई है माइनॉरिटीज के इंडिया में, वो एक डर का माहौल तो बना हुआ है। अब देखा ये जाएगा कि अगले 5 साल में क्या मोदी जी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, जो जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, आज जैसे उन्होंने स्पीच में कहा है कि वो सबको साथ में लेकर चलेंगे, या पिछले पांच साल का एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया जाएगा, ये तो ये मोदी जी जानते हैं। लेकिन एक डर का माहौल था, उम्मीद कर सकती हूँ कि मोदी जी इस बार सबको साथ में लेकर चले, और ये डर का माहौल जो जिस उम्मीद की और होप की बात कर रही है उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन से पहले की ये तैयारी और एक इस किस्म का सेंटिमेंट डेवलप करना जिसको कि पॉलिटिकली कैश किया जा सके, तो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ और दलित्स के खिलाफ एक माहौल ख़ास तौर पे बनाया इलेक्शन जीतने के लिए, क्या हम तवक्के कर सकते हैं कि इलेक्शन के बाद इसमें कुछ सोबरिटी आए? शायद देखिए आप हिंदुस्तान की जो गरीब आवाम है उनका पेट आप बार बार मंदिर से तो नहीं भर सकते, आप मंदिर के डायलॉग से तो नहीं भर सकते, आपको कभी ना कभी उनका पेट भरना होगा।
हिंदुस्तान में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है जो 45 साल में सबसे ज्यादा इस वक्त देखा जा रहा है। जीडीपी सबसे नीचे गिरा हुआ है हिंदुस्तान का। फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहा है। तो आप कब तक लोगों को मंदिर खिलाएंगे या कब तक लोगों को एक एक ऐसी जबान से अपनी रेटरिक जो है कम्युनल वायलेंस उसको आप उस पर तो आप नहीं जी सकते हैं। आपको कभी ना कभी डेवलपमेंट करना होगा और आप सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आपको सबको साथ में लेकर चलना होगा। ये शायद इस बार उनकी मजबूरी होगी, ये शायद उनकी ये उनकी शायद स्टेटेड ये उनका तरीका नहीं, लेकिन शायद उनकी और भारत की जो 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 सॉलिडारिटी या भारत की एक इंटेग्रिटी के लिए जो सबसे क्रिटिकल चीज़ जो समझी जाती है और कहा जाती है कि सेक्युलर होना इस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रूली सेक्युलर हो। और ये ख्याल किया जाता था इससे पहले, अब से कोई 10-15-20 साल पहले तक, कि ये एक इसकी आइडेंटिटी एक सेक्युलर स्टेट की थी। लेकिन आप क्या समझती हैं कि अब वो सेक्युलर स्टेट की आइडेंटिटी पिछले 5 साल में तो डाइल्यूट हुई, ये फर्दर डाइल्यूट हो जाएगी और उससे उसके क्या असरात होंगे? देखिए, मुल्क जो है ये गांधी और नेहरू का मुल्क और मौलाना आजाद का मुल्क है जहाँ सबने अपना खून बहाया है और यहाँ पे हर इंसान का हर हिंदुस्तान की आजादी में, हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल में हर मजहब के इंसान का खून शामिल है। तो आप इसकी डेमोक्रेसी से इसकी रूह नहीं निकाल सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, आप उस पर अटैक कर सकते हैं, बार बार आपकी इसकी रूह को तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन आप उसकी रूह छीन नहीं सकते हैं, आप उसके रूह पे इतना हमला नहीं कर सकते हैं। तो जरूर पिछले 5 साल पे एक हमला हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उस पर जो है उसको आप खत्म कर सकते हैं, उसकी सोल को आप इस वक्त क्रश कर सकते हैं। अटेम्प्ट हुए हैं पिछले 5 साल में, लेकिन हमारी हमारी डेमोक्रेसी इतनी 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 कमजोर नहीं है कि कोई मेजोरिटेरियन लीडर आके उस पर इतना बड़ा हमला करके निकल जाए। थैंक यू सो मच राणा अयूब, हमारे साथ स्टॉकहोम सिटी भारती सहाफ़ी हैं और मुसन्निफ़ हैं, कई किताबें लिखी हैं और बहुत बोल्ड किताबें लिखी हैं, बोल्ड कॉमेंटेटर हैं, बहादुरी से लिखती हैं अकलियतों के हवाले से और भारत में जो हिंदू इंतहा पसंदी फैल रही है उस हवाले से राणा अयूब ने बहुत कुछ लिखा है। इस मौजू पर मजीद बात करते हैं, हम अपने एंगल से बात करेंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मसूद खान, सदर हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर के, पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं भारत में और भारतीय उमूर इस खत्ते के उमूर के बहुत ही हमारे मुस्तनद एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है, नतीजा आ गया है, अंदाजे से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, हमारे लिए पाकिस्तान में हमें मालूम है हमारे वज़ीर आज़म तवक्की कर रहे थे कि शायद यही नतीजा आएगा और हमारा ख्याल ये था कि इसके बाद हालात में शायद बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो। आप बताइए अपने पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं आज के नतीजे को? आज का नतीजा मुतवक्को था, यानी ये सब लोग ये कह रहे थे मुबसरीन के नरेंद्र मोदी की जमात जीतेगी और उनका अलायंस जीतेगा और वैसा ही हुआ। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो इकदामात किए इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले, उनके मनफी असरात बहुत अरसे तक कायम रहेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो कश्मीरियों के साथ 5 साल में जुल्म किया है, या दूसरे जो है उन्होंने मिसाल के तौर पर जो नफ़रत की आग भड़काई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ख़ुद जो दूसरी वहाँ अकलियतें हैं उसके असरात तो बहर सूरत वहाँ रहेंगे। और इस वजह से पूरे का पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो एक बहुत ही तकसीम का शिकार है। लिहाजा ये कह देना कि जनाब वो एकदम जो है इस जीत के बाद अपना अंदाज या अपना तौर तरीक़ा बदल लेंगे, ये बईद अज़ क़यास है। लेकिन अब मगर खास साहब 5 साल बाद अब अगले इलेक्शन होने हैं, ये इसमें बड़ी सियासत होती है, बहरहाल उन्हें अब वो मुल्क चलाना है, उसमें ये फॉल्ट लाइंस को कहीं ना कहीं एड्रेस तो करना, मैं कम से कम कॉमन सेंस तो यही कहता है करना है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं और ये इतने शदीद फिशर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुनकसम है मुल्क, तकसीम है और शदीद जज्बात हैं मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के, बहरहाल उनको अगर मुल्क चलाना है तो उसको एड्रेस तो करना होगा उन्हें। देखिए, उनका जो नुक्ता नज़र है वो अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के सदर हैं उन्होंने बहुत तफसील से बयान किया है। उसके बाद इस वक्त जो है वहाँ बजरंग दल जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, शिवसेना और दूसरी जमातें, दूसरी इंतहा पसंद जमातें जो है वो हिंदुत्वा का जिक्र कर रही हैं, वो हिंदू डोमिनेशन का जिक्र कर रही हैं। तो वो ये है कि उनका ये एजेंडा सिर्फ इंतखाबात से मखसूस नहीं था, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 370 है उसको और आर्टिकल 35A
जो मुस्तकिल रिहाइश के बारे में या कश्मीरियों के हकूक के सिलसिले में या उनकी जो आबादी का तनासब है उससे मुतालिक है, उसको भी मनसूख कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये उन्होंने इलेक्शन के कुछ वादे किए हुए हैं। दूसरे एक बड़ी बात हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है ये बुखार मौसमी नहीं है, ये एक किस्म का एक दायमी मर्ज है जो हिंदुस्तान को लाहक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ या इंतहा पसंदों की वजह से हुआ। वो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम जो हैं पवित्र और पाक हैं, ये मुसलमान मलीच हैं और ये बाहर से आए हुए लोग हैं। और फिर जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ जो 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, इसने अहले हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और उनका इस्तेहसाल किया। इस किस्म के जो थीम्स हैं उन्होंने फैलाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, आपने ये कहा कि वो 5 साल तक हुकूमत चलाएंगे, तो ये मुमकिन है, हमें इंतज़ार करना चाहिए। मतलब ये कि हमें किसी मनफी रद्द अमल का इज़हार करने के बजाय हिंदुस्तान के आवाम ने जो फ़ैसला दिया है उसे सारी दुनिया कबूल कर रही है, हमें भी कबूल करना पड़ेगा क्योंकि वो एक हकीकत है। लेकिन उनके लिए ये देखना होगा कि क्या वो ये पॉलिसियां बदलेंगे, क्या वो कश्मीर के अंदर आप तो ये फरमाइए खान साहब, आप अपने अपनी जगह से ये फरमाइएगा कि क्या भारत की मजबूरी है, क्या भारत दबाव में है, क्या नरेंद्र मोदी उसकी फौज उसकी सरकार दबाव में है, कश्मीरियों का जो दबाव है जो बोझ है क्या वो बगैर इंगेज किए हुए कश्मीर को पाकिस्तान को इंगेज किए हुए क्या वो सह सकते हैं, या हमें समझना चाहिए कि नहीं अब मौका आया है कि क्यों इस दबाव के तहत अब वो इंगेज करेंगे कश्मीरियों को और हमें भी पाकिस्तान के साथ भी कोई मीनिंगफुल बात करना चाहेंगे। ये खुश ख्याली है मेरी या हो सकता है ऐसा? देखिए एक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, पाकिस्तान ने हमेशा सियासी और सिफाती ज़राए को तरजीह दी है। हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो, हिंदुस्तान जो है मुज़ाकरात के मेज़ की तरफ लौटे या अक़्वामे मुत्तहिदा की क़रारदादों के फ्रेमवर्क में किसी फ़ैसले के बारे में हमारे साथ मुशावरत करे और हमारे साथ तआवुन करे। दूसरा हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र, आपने बराए रास्त सवाल पूछा, अब तक जो हमारा तजुर्बा है और जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी 3 नुकाती एक पॉलिसी है। एक नुक्ता यह है कि कश्मीरियों को इतना मारो कि बर्दाश्त ना कर सकें और वो किसी किस्म का कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे, बल्कि हर आने वाले दिन वो इस तशद्दुद में इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे ये है कि वो कहते हैं कि कश्मीरी जो रहनुमाएँ हुर्रियत रहनुमाएँ हैं उनसे बातचीत ना करो, और तीसरे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी अब 2 तरफ़ा मुज़ाकरात भी ना करो। लेकिन जाहिर है कि वो ये कहते हैं कि जो बैनुल अक़वामी सतह का ये मसला ही नहीं, क्योंकि वो ये कहते हैं मसला कश्मीर जो है वो मसला इसलिए नहीं कि जो कश्मीर है वो उनका टूट अंग है। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि भारत मुज़ाकरात पे आमादा हो, इस मुतनाज़ा इलाके को मुतनाज़ा माने और सियासी और सफारती ज़राए इख्तियार करे। तो हमारी ये उम्मीदें वाबस्ता रहेंगी, हमारी ये कोशिश भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब मसूद खान, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे, कल हमने जिक्र किया था तफसील से कारोबारी और माशी एतमाद में बहाली की, कुछ नए एतमाद की नई किरणें फूटी हैं आज, वो मजीद वाजे हुई हैं, अच्छी खबरें हैं कारोबार और मईशत के हवाले से, कुछ मजबूती आती नज़र आ रही है, झलक नज़र आ रही है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक, कल के प्रोग्राम में हमने तफसील से जिक्र किया था कि पहली बार तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में माशी और कारोबारी एतमाद में बहाली की कुछ किरणें फूटी हैं, कुछ इब्तदाई हमें खुशगवार झोंका सा नज़र आया है दूर से, जिसमें लगा ये था कि पाकिस्तान में माशी और कारोबारी जिसकी एतमाद जिसकी शदीद ज़रूरत थी, बेयकीनी की कैफियत ख़त्म हो जिसकी शदीद ज़रूरत थी, पाकिस्तान में सर्टेनिटी आए कारोबार में मईशत में, वो तमाम चीज़ें जो हैं उसके हवाले से कल बड़ा एक बेहतर दिन था। और हमने बताया था इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ एक समझौता कर लिया है प्रोग्राम का, इसी दौरान जो एक बेयकीनी की कैफियत थी कि पाकिस्तान में शरह सूद क्या होगी, इस प्रोग्राम के बाद कहाँ जाके ठहरेगा, वो 1.5% में इजाफे के बाद लग ही रहा है कि वक्ती तौर पर कम अज़ कम ये शरह सूद यहाँ पर ठहर गई है। उसी दौरान रुपए की कदर में कमी होनी थी, वो भी कमी हो गई, कुछ 6% के करीब कमी हुई थी, मगर कल हमने देखा था कि रुपया अपनी जगह मजबूत हो गया था
कल और आज भी उसमें बेहतरी नज़र आई है, बल्कि रुपए की कदर में आज पहली बार जो था वो कुछ बेहतरी नज़र आई है और ये बहुत ही खुश आइंद बात है। इसी दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, जहाँ पर कारोबारी एतबाद की एक बड़ी झलक नज़र आई थी जब इंडेक्स में 1195 पॉइंट का इजाफा हुआ था, आज भी उसमें वही तेज़ी बरकरार रही है और आज तकरीबन 950 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दो दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में तकरीबन 7% इजाफा हुआ है, जो 10 साल में 2 रोज के दौरान इतनी बड़ी तेज़ी का और इतनी बड़ी बेहतरी का पहला नमूना है जो सामने आया। गोया कि वह कारोबारी एतमाद या माशी एतमाद की जो झलक हमें कल नज़र आई थी, आज वो कंसोलिडेट होती नज़र आ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आज़म की नई माशी टीम ऐसा लग रहा है कि क्लिक कर रही है और वज़ीर ख़जाना की हैसियत से डॉक्टर हफीज़ शेख, गवर्नर स्टेट बैंक की हैसियत से बाकर रज़ा और FBR चेयरमैन की हैसियत से शब्बर जैदी की जो 3 रुकनी टीम बनी है, ये अपनी जगह कंसोलिडेट होती नज़र आ रही है। इसी दौरान ब्यूरोक्रेटिक रखनों को हटाने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है और आज इस सिलसिले में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सेक्रेटरी ख़जाना जनाब यूनुस ढागा का आज तबादला कर दिया गया है, उनकी जगह एक और बहुत ही मुस्तनद और बहुत ही बावकार ब्यूरोक्रेट है जनाब कामरान नवीद बलोच को पाकिस्तान का नया सेक्रेटरी ख़जाना बनाया गया है। इस तमाम के असरात नज़र आ रहे हैं, गोया के कारोबारी और माशी बेहतरी के आसार आज मजीद ठोस नज़र आए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपके नज़दीक ये जो बड़ी एक्साइटमेंट नज़र आई है पिछले 2 दिन में, एक रिकॉर्ड टाइप की कैफियत नज़र आई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, आपके नज़दीक उसकी वजूहत क्या थी? स्टॉक मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी देखी गई है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप पिछले 2 हफ्ते में हमारे लोकल फंड्स की तरफ से बहुत एग्रेसिव सेलिंग थी, जिसकी वजह से मार्केट कोई 31,000 पॉइंट गिर गई थी। तो उस सेलिंग का ख़त्म हो जाना, ना सिर्फ उस सेलिंग का ख़त्म हो गया, वही म्यूचुअल फ़ंड अब ख़रीदारी में आ गए हैं जो नंबर्स बता रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी रीज़न बना है कि जो मार्केट में पिछले 2 हफ्ते में 3100 पॉइंट गिरावट देखी गई थी, वो तकरीबन 80% यानी 2400-2500 पॉइंट पिछले 4 दिन में और तकरीबन 2000 से ज़्यादा पॉइंट पिछले 2 दिन में रिकवरी हुई है। दूसरी जानब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने फाइनेंस एडवाइज़र को अप्रोच किया फॉर स्टॉक मार्केट के लिए एक फ़ंड बनाने के लिए, स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए फ़ंड बनाने के लिए, उसने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है मार्केट की रिकवरी में। और मार्केट जो बहुत ओवरसोल्ड थी, मार्केट का प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो बहुत ज़्यादा कम हो गया था 6 के करीब, वो अब बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी 2 दिन में हमने कल और आज देखा है, ये कोई इसको कैसे आप एग्जांपल, इसको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे? आपके ख्याल में ये शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है, वक्ती है, या इसमें कुछ ड्यूरेबिलिटी भी हमें नज़र आ सकती है? मेरे ख्याल में तो ये अब सस्टेनेबल लग रहा है। उसके 2-3 ये वजूहात ये भी हैं कि जो पाकिस्तान की IMF से जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके लिए कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान ने अपने रुपए की कदर को काफ़ी हद तक मार्केट ड्रिवन कर दिया है और रुपए की कदर में पहले तो गिरावट देखी गई और अब काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। इसी तरह जो दूसरे इकदाम करने हैं ट्रेजरी बिल से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, वो भी जो सेंट्रल बैंक कर रहा है, उसका भी उम्मीद की जा रही है कि वो भी हमें हेल्प करेंगे IMF की फंडिंग लेने के लिए। और सबसे बढ़कर जो एक डेवलपमेंट हुई कि जो सऊदी अरेबिया की डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी थी, वो भी अप्रूव हो गई है, जिससे जो कॉन्फिडेंस था वो रिस्टोर हो गया है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि मार्केट ने जो 33,000 का बॉटम देख लिया है और अब बज़ाहिर यहाँ से मार्केट ये जो सेंटिमेंट हमने 2 दिन में देखे हैं, ये कंटिन्यू करें, ये थोड़ी कंसोलिडेट हो, इसके लिए क्या करना होगा कि ये वाकई एक लॉन्ग टर्म एक सेंटिमेंट बन जाए जो बेहतरी 2 दिन में हमने देखी है? देखें, हुकूमत पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मईशत को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो ये है कि जो प्रायर एक्शन हैं, जिसमें काफ़ी हद तक बज़ाहिर लग रहा है कि हम कर चुके हैं, इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना, टी बिल में बहुत बड़ा ऑक्शन से पैसे लेना, करेंसी का फ्री फ्लोट करना, मगर आने वाले दिनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है बजट। अगर बजट में फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए गए, अगर बजट में बिजली की और गैस की प्राइसेस को रैशनलाइज करने के लिए स्टेप लिए गए, तो ये एक उम्मीद की किरण पैदा करेगा कि पाकिस्तान की जो अप्रूवल है लोन की, वो IMF का बोर्ड दे देगा। तो सबसे अहम किरदार जो मार्केट के लिए और इकॉनमी के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए जो पॉजिटिव साबित होगा, वो पाकिस्तान का मार्च है टूवर्ड्स दी
अप्रूवल ऑफ IMF लोन। दूसरी जानब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके साथ साथ FATF के भी इजलास हो रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि अगर IMF का लोन में कामयाबी हो जाती है पाकिस्तान को तो वहाँ से भी अच्छी खबर आ सकती है। तो ओवरऑल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए ये दो जो माइलस्टोन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, न्यूज़ हेडलाइन देख लें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी से साथ आते हैं। और आज हमारे साथ होंगे जनाब इमरान खान के मुशीर खास अव्वल नायब जनाब जहांगीर खान तरीन, तवील अरसे के बाद वो एक बड़े तफसीली इंटरव्यू के लिए हमारे साथ होंगे। हमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं उनके बारे में और उनकी हुकूमत के बारे में छोटे से वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। गुज़िश्ता दो दिनों में कारोबार में, मईशत में जो बहाली की एतमाद की एक किरण फूटी है, इसको अगर हम एक जानब रखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 माह की हुकूमत हसरत और उम्मीदों की टूटने की कहानी नज़र आती है। हर लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत के हवाले से और पाकिस्तान के अवाम को किए गए वादों के हवाले से डिलीवर नहीं किया है। लोग मायूस हैं और हर वो शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का हिमायती था, वो तजज्जुब में मुब्तला है। यकीनन गुमगु की कैफियत है और हसरत और यास, ऐसा लगता है कि वो कहीं खो गई हैं और यही वजह है कि लोग इस वक्त उस जोश जज्बे को भूल चुके हैं जो उन्होंने देखा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता था, जनाब इमरान खान ने पहली तकरीर की थी और उसके साथ ही उम्मीदों का एक नया हमने देखा था, होराइज़न जो नज़र आ रहा था। लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, तब्दीली का जो वादा हुआ है ये पूरा होगा और हर लिहाज से पाकिस्तान एक मजबूत और तवाना मुल्क फौरी तौर पर नज़र आने लगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मईशत का गिरदाब, मईशत के गिरदाब में हुकूमत फंसती चली जा रही थी और वाज़ेह तौर पर यह लग रहा था कि हुकूमत और इमरान खान की माशी टीम को ये नहीं पता है कि उसकी सिमत क्या होनी चाहिए और इस गिरदाब से निकलने का फार्मूला क्या है। एक के बाद एक नया फार्मूला अप्लाई होता था, कभी दोस्त मुल्कों के पास जाया गया, कभी चीन के बारे से, चीन के हवाले से शिकायत की गई और बारहा कहा गया कि फ़िलहाल IMF की ज़रूरत नहीं है, IMF के प्रोग्राम की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। इसी अंदाजे में, इसी हवाले से पाकिस्तान में बेयकीनी की कैफियत बढ़ती चली गई और बेयकीनी की कैफियत ने कारोबार को, मईशत को और सरमायाकारी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। और पिछले चंद महीनों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ऐसा लगा कि मईशत का और कारोबार का पहिया मुकम्मल तौर पर ठहर गया है। बार बार इमरान खान को और उनके उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर को बताया गया कि गैर यकीनी कैफियत को ख़त्म करना होगा, हर सूरत में मईशत का पहिया चलाने के लिए एक सिमत का तायुन करना होगा और सिमत का तायुन हो नहीं सकता। तमाम माहरीन का ख्याल ये था कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में दाखिल होना पड़ेगा, IMF के साथ माहिदा करना पड़ेगा, दुनिया को मैसेज देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अपने सरमायाकारों को और बिजनेसमैन को मैसेज देना होगा कि वो एक स्ट्रक्चर के तहत आ गए हैं और क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बहुत बीमार है, बहुत ही लाचार है और बहुत ही उस कमज़ोर नहीं सूरत हाल में है, इसलिए पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि वह IMF में जाए और एक प्रोग्राम के तहत अपने आप को आगे बढ़े, एक अस्पताल में दाखिल कराए, अपना इलाज कराए और फिर सेहतमंद तवाना होकर फिर आगे का सफ़र शुरू करे। ये कशबकश बहुत महंगी पड़ी इमरान खान को भी, उनकी हुकूमत को भी, और न सिर्फ क्योंकि नाकामी थी मईशत के मैदान में, नाकामी थी कारोबार के मैदान में, तो वो कामयाबियां जो पाकिस्तान ने खारजा महाज पे हासिल की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबियां थी, जब पाकिस्तान के रिश्ते दोबारा शुरू हुए मशरक़ वस्ता के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ, जिसमें खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा बराह रास्त किरदार अदा किया, पाकिस्तान की फ़ौज की गुडविल जो पूरे मशरक़ वस्ता में थी वो पाकिस्तान को उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ और इस हवाले से पाकिस्तान को कामयाबी हुई। भारत के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, जो बहुत बड़ी एक जंग किसी कैफियत पैदा हुई, पाकिस्तान ने न सिर्फ उसको जीता, इमरान खान उसमें बहुत ही कामयाब और बहुत ही कन्विंसिंग लीडर की हैसियत से सामने आए, पूरी दुनिया ने उसको सराहा, लेकिन मईशत के मैदान पर नाकामी, कारोबार के मैदान में नाकामी, मुलाजमतें ना पैदा होना,
इन तमाम मामलों ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, उसकी हुकूमत को, इमरान खान की साख को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। कहा जा रहा था कि इमरान खान की टीम ने काम नहीं किया है और इमरान खान की टीम ने उस तरह से डिलीवर नहीं किया जैसे उनकी तवक्कु की जा सकती थी, और शायद यही वजह है कि काबीना के बड़े बड़े चेहरे जो कि अब से पहले 9 माह तक मौजूद थे, इस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं है, यानी कि इमरान खान अब डायरेक्ट एक्शन करना चाहते हैं। इस दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहा यह गया कि इमरान खान के पास मुस्तलद मुशीरान की कमी है, और बहुत सारे सियासी माहिरीन और तजियाकार वो समझते रहे कि इमरान खान को यकीनन बड़ी कमी महसूस हुई है। जनाब जहांगीर खान तरीन के जो हर लिहाज से उनके नायब अव्वल थे, जब से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहरक हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी क़ुव्वत की हैसियत से सामने आई है, इमरान खान के दाएँ हाथ पे हमेशा खड़े रहे जहांगीर खान तरीन, जिनकी अपनी एक सियासी साख भी थी, कारोबारी साख थी, एक अपनी पोजीशन थी, और वो यकीनन उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट मुशीर थे, क्योंकि उनकी नॉलेज, नो हाउ, एक्सपीरियंस जो था वो इमरान खान के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत अहम हो सकता था। लेकिन दिसंबर 2017 में जनाब जहांगीर खान तरीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासत से नाअहल करार दे दिया, और बाज़ माहिरीन का ख्याल ये है कि इमरान खान को और उनकी जमात को जहांगीर खान तरीन की इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से, उनकी सियासत से अलहदगी की वजह से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है। अभी इत्तलात ये है कि हम देख रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ बेहतरी आ रही है, और ख्याल यही है कि जनाब इमरान खान चाहते हैं कि उनके जो हमेशा से मुशीर रहे जहांगीर तरीन, उनका एक मुतहर्रिक रोल हो, कम अज़ कम उनको मशवरा देने के लिहाज से। जहांगीर खान तरीन की अपनी एक पोजीशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनका एक बड़ा अपना एक किरदार है, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले का भी सामना है। दूसरी जानिब वो जमात जिसके वो साथ रहे हैं और बहुत ही करीब साथ रहे हैं, वो अपनी साख की एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही है। इन तमाम सवालों के जवाब जो हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से रहे हैं, 9 महीने जो हुकूमत को नाकामियां मिली हैं, पीटीआई को नाकामियां मिली हैं, इमरान खान को नाकामियां मिली हैं, हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से इन सवालों के जवाब पूछें, उन नाकामियों की वजह जानने की कोशिश करें, और ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या आगे बढ़ने का उनके पास कोई रास्ता है या नहीं। बावजूद जनाब इमरान खान हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमने कन्विंस किया है जनाब जहांगीर खान तरीन को कि वो हमें इन इंतहाई अहम सवालों के जवाब दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करें, और इसको वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से जनाब जहांगीर खान तरीन। बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी नवाजिश। ये फरमाइएगा, 9 महीने से ज़्यादा 10 महीने के करीब हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए, कायम हुए, इमरान खान को वज़ीर आज़म बने हुए, आज जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है, जो हालात हैं, जो पूरी आपको पूरी पिक्चर जो पाकिस्तान की इस वक्त नज़र आ रही है, मईशत की, कारोबार की, हालात की, क्या ये वही जगह है जहाँ पे आपको आना था, जहाँ पे आपको पहुँचना था पहले साल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जहाँ पे हम आज हैं, ये वाकई एक काफ़ी मसाइल में घिरे हुए हैं, वाकई गैर यकीनी हालात ने हमें नुकसान पहुंचाया है, मगर अब खुशाइन बात यह है कि अब एक नई टी फाइनेंस टीम आ गई है, इमरान खान साहब ने बेहतरीन लोगों को चूज़ करके लेके आए हैं और अहम उहदों पे उनको रखा है, और अब नज़र आता है कि ये तब्दीली की शक्ल है। हमें साथ अब्दुल हफीज़ शेख साहब एक एक्सपीरियंस आदमी है, उनकी हमें बड़ी ज़रूरत थी कि एक तजर्बेकार आदमी भी हो, मगर जहाँ तक रज़ा बाकर साहब हैं, बहुत तजर्बाकार है, मगर ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोलूशन है कि स्टेट बैंक में कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि आप ऐसे आदमी को, इस ऐसे एक्सपीरियंस आदमी को आप लेके आए जो बाहर की दुनिया जानता हो और अपने फ़न का माहिर हो। इसी तरह से शबर जैदी साहब को जो लेके आए हैं, ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स सोलूशन है। वो शबर जैदी साहब को सारे पाकिस्तान मानता है कि टैक्स के बारे में जितना उनको पता है वैसे किसी और को नहीं पता, और उनको अंदरूनी मसाइल का पता है कि क्यों पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा नहीं होता। तो अब ये जो टीम है, ये टीम आई है, और हम सब लोग मिल के, आपको यकीन दिलाता हूँ, इमरान खान के साथ, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में जब भी ज़रूरत पड़ी है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, और ये नई टीम को लाने के बाद मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि एक जो गैर यकीनी हालात थे उसमें से हम निकल आएंगे। लेकिन पिछले 2 दिन में मार्केट्स ने, तरीन साहब ये बताइए, जी हमने जिक्र किया 2 दिन में पहली बार जो है वो हालात में बेहतरी की,
उम्मीदें जो हैं वो उसकी किरणें कुछ फूटी हैं, लेकिन ये बताइएगा कि 22 साल पुरानी ये जमात है, आप कम अज़ कम 10-15 साल से तो आप लोग मुसलसल हैंड्स ऑन जद्दोजहद कर रहे हैं हुकूमत लेने के लिए और हुकूमत में आने के लिए, 2013 का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो, उससे पहले 5 साल आपने दिन रात मेहनत की है, मगर ये क्या तैयारी थी आपकी कि जब आपकी हुकूमत आई तो ऐसा लगा कि आपको आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि जिसके लिए आपके पास एक बाकायदा मंसूबा हो, एक बाकायदा प्लान हो, चाहे वो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस की मिनिस्ट्री हो, चाहे वो दूसरे मामलात हो जो कलीदी मसाइल हो, ऐसा लगा कि रातों रात आपको हुकूमत मिल गई है और आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं है। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो छुपी हुई नहीं थी, छुपी हुई थी, हर चीज़ जो थी वो सामने थी, मगर आपकी तैयारी ज़ीरो थी। देखें, ये कुछ थोड़ा सा आप एग्जैजरेट कर गए हैं। होता ये है कि मईशत की जो परफॉर्मेंस है और जो गैर यकीनी हालात 10 महीने चलते रहे, उस वजह से हमारी जो अच्छाइयाँ थीं, जो हमने और शोबे में अच्छे काम किए हैं, वो छुप गए। मैं अगर आपको अभी बता देता हूँ, सबसे पहले आप ले लें पावर सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में इतना बेहतरीन काम हुआ है कि मैं आपको, मुझे अगर आप 5 मिनट दें तो मैं आपको चंद चीज़ें गिना दूँ। जब 2018 के साल में नून की हुकूमत का आखिरी साल था, उन्होंने जितने भी रेट बिजली के बढ़ाने थे, नेपरा ने कहा था, नेपरा के पास जाना था, उन्होंने नहीं किया, और इसकी वजह ये हुई कि 450 अरब रुपए का इजाफा हुआ सर्कुलर डेट में। 450 अरब का मतलब है 38 अरब रुपए हर महीने का इजाफा हो रहा था। हमें जब हम आए हुकूमत में तो ये हमें मिला। हमारी जो टीम है, हमने एक बेहतरीन टीम आगे रखी पावर में, मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन टास्क फोर्स, वो तीन लोग मिलके इन्होंने काम किया है। आज का रिज़ल्ट ये है कि पहले एक ज़बरदस्त किस्म की ड्राइव शुरू हुई बिजली चोरी के खिलाफ, और जो बिल लोग पे नहीं करते थे, तो आपको खुशखबरी ये मैं देना चाहता हूँ कि अक्टूबर से लेकर अब तक 80 अरब रुपया इस हदफ में इकट्ठा हुआ है, जिसमें से 58 अरब रुपया जो है वो सिर्फ और सिर्फ चोरी पकड़ के हमने इकट्ठा किया है। हमारा टारगेट ये है कि हम इस साल के आखिर तक, एक महीना और है, इसको 90 अरब तक लेके जाएंगे, अगले साल में 110 अरब की चोरी और ये बिलों की जो गैर अदायगी थी इसको करके 200 अरब रुपए का हम फ़ायदा कराएंगे पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को, जिससे आपकी सर्कुलर डेट को एक वाज़े फ़र्क पड़ेगा। हमने एक बाकायदा प्लान बना लिया है कि सर्कुलर डेट जो 38 अरब रुपए महीने से बढ़ रही थी, हम उसको 26 अरब रुपए महीने पर ले आए हैं, और अगले 2020 के जून तक 8 अरब रुपए पे ले आएंगे। बाकायदा एक प्लान बना हुआ है और हर महीने, हर 15 दिन उसके ऊपर मॉनिटरिंग और एक्शन होता है, और ये 2020 के आखिर में इंशाल्लाह ताला पर सारे पाकिस्तान में पहली दफ़ा शायद पिछले 30 साल में सर्कुलर डेट की फ़्लो, यानी कि सर्कुलर डेट में जो इजाफा हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। और आपको मैं हैरान कौन चीज़ें बताऊँ, ये चोरियाँ जो हैं ये हर जगह हो रही थी, हर तबका कर रहा था, और अब इसके ऊपर जो हाथ डाला गया, ये हाथ हम डाले रखेंगे और नहीं छोड़ेंगे। हमारे जो डिस्कोज के कम से कम 450 लोग अरेस्टेड हैं, बाकी जो हमने प्राइवेट सेक्टर को पकड़ा वो अलग है, और कोई 1000 लोगों के ऊपर इस वक्त शो कॉज नोटिस हो रहे हैं, और रोज़ के रोज़ ये काम हो रहा है। कल भी लाहौर में एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है कम से कम 30 लोगों का वो पकड़ा गया है बिजली की चोरी करते हुए। ये चीज़ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, मैं ये वाज़े तौर पर कह सकता हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है ये। इसके अलावा आप हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा फिगर है, 470 अरब रुपए के वाजबात हैं प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के वाजबात 470 अरब रुपए के, जो कि अनपेड हैं, मतलब जिस जो 6 महीने से ज़्यादा जिनकी अदायगी नहीं हुई, और वो डेड राइट ऑफ ही समझे थे, समझ लिया ये लोगों ने, समझ लिया था, हमने उसके ऊपर एक्शन लिया है। 30 अप्रैल तक आखिरी डेट दी कि आपने अपनी किस्तें बनवाएं और हम आपको अगले 2020 जून तक 100 अरब रुपया उसमें से भी निकाल के देंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये तकरीबन 300 अरब रुपया डेट जो था उसको हम लेके आ रहे हैं और सब यहाँ पे डाल रहे हैं, और सर्कुलर डेट की फ़्लो ख़त्म कर देंगे। ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है, पाकिस्तान ने और मईशत ने और कौम ने जब अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है, उसके लिए ये अशद ज़रूरी है कि जो सर्कुलर डेट जो 1300 बिलियन पे पहुँच गई है उसको हम रोकें, उसका इजाफा, और फिर जो पहली पुरानी पड़ी हुई है जो उन्होंने एक कंपनी बना के डाल दी थी उसका भी एक हल निकालना शुरू। लेकिन इसके अलावा पूरे सुनते हैं मेरी बात, आखिरी बात सुन लें, 3000 मेगावाट ऐसा था जो सिस्टम में अवेलेबल था मगर जा नहीं सकता था क्योंकि 15 एक बॉटल नेक्स थे,
15 मसले थे मुख्तलिफ जगहों पर जिस वजह से बिजली जा नहीं सकती थी, वो हमने 15 के 15 हल कर दिए। इस वक्त पूरी बिजली जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती है वो हम डिलीवर कर सकते हैं, और इसी वजह से रमज़ान में सहर इफ्तार के बाद कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। हमने हर फीडर बाय फीडर जाके चोरी पकड़ी है। इस वक्त 80% फीडर है पाकिस्तान में जहाँ के चोरी की लेवल वहाँ पे है, जहाँ पे हम उनको 100% बिजली दे रहे हैं, कोई लोड शेडिंग नहीं, 80%, और इंशाल्लाह ताला ये हम 99% कर जाएंगे 2020 की जून तक। इसके बाद पूरा प्रोग्राम लॉन्च हो गया है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह 4 सालों में हर मीटर स्मार्ट मीटर लग जाएगा, यानी कि ऐसा मीटर होगा जो हम देखेंगे कि अगर इस मीटर से चोरी हो रही है तो बटन दबा के कंट्रोल रूम से वो मीटर की बिजली बंद कर देंगे, पूरे फीडर को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हर ट्रांसफार्मर में भी ये सिस्टम लग रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो 20-25 साल पहले हो सकती थी और नहीं हुई, और हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लोगों को हम बताते हैं मगर मईशत के मसाइल में ये छुप जाती है। एनर्जी सेक्टर के अंदर ये ज़रूर है, मगर ये देखें ना कि जो आपकी इनिशियल सिलेक्शन हुई है, जो कि पहली कैबिनेट बनी, जो कि जब गवर्नमेंट मिली, आज हम देखते हैं तो वो तो उसकी शक्ल ही बदल गई है। 9 महीने के अंदर ये जो टीम उतारी थी खान साहब ने मैदान में, ये तो पूरी बदलनी पड़ी है उनको। अब देखें ना वो वज़ीर ख़जाना मौजूद है, ना वज़ीर इत्तला'आत मौजूद है, ना वज़ीर सेहत मौजूद है, ना वज़ीर पेट्रोलियम मौजूद है, ना ही बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन मौजूद हैं। गोया कि ये पहली सिलेक्शन जो थी ये बिल्कुल मुनासिब नहीं थी। देखें ये तो बाद में पता लगता है ना परफॉर्मेंस से, जब आप आदमी को प्लेयर नेट्स में बहुत अच्छे खेल रहे होते हैं, मैच में आके कभी कभी इतना अच्छा नहीं खेलते, मगर ये खान साहब की एक्शन का आई थिंक आपको इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि 9 महीने इन्होंने चेक किया, जब नहीं हुए जो प्लेयर उनके ख्याल में काम सही नहीं कर रहे थे उनको चेंज कर दिया। ये कोई ऐसी कोई टीम नहीं है कि जो चेंज नहीं हो सकती, और ये बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने परफॉर्म किया है वो आगे आते हैं, जो परफॉर्म नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। मगर आपको मैं ये बता दूं, इसके अलावा हमने ज़रात में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। पहली दफ़ा ज़रात में एक 290 अरब रुपये का मनसूबा बना है जो 13 डिफरेंट प्रोजेक्ट से मुश्तमिल है। इसके अंदर हर क्रॉप, गंदम का चीज, इसका कॉटन, राइस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, इस तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम तो इनकी पैदावार कम से कम 25 से 30% बढ़ाएंगे। और पूरा प्रोग्राम यह है कि 5 साल में जो हम इम्पोर्ट बिल है हमारा जो 4 अरब डॉलर, $4 अरब की हम एग्रीकल्चर इम्पोर्ट करते हैं। गुफ्तगू के पस मंज़र में मुझे ये तो यकीन हो गया है कि अब आप हैंड्स ऑन जो है वो हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर रहे हैं, आप एनर्जी सेक्टर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, आप एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, आप इकॉनमी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। मैं सही समझ रहा हूं कि अब आप बाकायदा मिल के और इस वक्त हुकूमत का एक हिस्सा है। देखें, मेरा एक हैंडीकैप है जो आपने मुझे बताया था, जो मेरे ख्याल में मेरे से बड़ी ज्यादती हुई थी, मुझे बैलेंस किया गया, इंसाफ नहीं था, बैलेंस था, मगर चलें वो हो गया तो जो हो गया। मगर मैं इस वक्त जो भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत खान साहब समझते हैं, जहाँ मुझे कोई टास्क देते हैं, मैं अपने जो हमारी अपनी टीम है जो फ्रंट लाइन में खेल रही है, मैं उनके पीछे उनको जहाँ सपोर्ट कर सकता हूँ सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ऐसी चीज़ करूँ जिससे हमारी पार्टी के ऊपर या खान साहब के ऊपर कोई भी उंगली उठाए कि ये रोल जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो सही नहीं है। लेकिन बैकग्राउंड में रह के मगर ये हम भी यहाँ प्रोग्राम में मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट्स से चेक करते रहते हैं, वही समझते हैं कि ऑब्वियसली आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप MNA MPA सेनेटर वगैरह नहीं हो सकते, आप मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, आप कोई गवर्नमेंट पोजिशन नहीं ले सकते हैं, और आप पार्टी की कोई पोजिशन आप नहीं ले सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा। तो बाकी परहैप्स आप ये जो कुछ कर रहे हैं, क्या चेक किया आपने खुद अपने लीगल एडवाइजर से, और आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर ने चेक किया होगा अपनी लीगल टीम से कि आप जिस तरह से हैंड्स ऑन अभी इसमें काम कर रहे हैं तो उसमें कोई कानूनी कबाहत तो नहीं है? नहीं, कोई कानूनी कबाहत नहीं है। ये जैसे आपने अभी बताया, जिन चीज़ों से आपने खुद बताया मैं क्या क्या चीज़ें मुझे इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रोकती है, इसके अलावा मैं पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, पॉलिटिक्स में भी काम कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ का मेंबर भी बन सकता हूँ किसी कमेटी का, जो मगर ये मैं कोई चीज़ पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता, मगर बाकी इसके अलावा अगर मैं कहीं को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने मुल्क की खातिर तो मैं कंट्रीब्यूट करता रहूँगा। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम्हारी क्या मोटिवेशन है, अभी तक क्यों लगे हुए हो, और मैं कहता हूँ यार मेरी मोटिवेशन ये है कि खान साहब के साथ हम आए थे मुल्क बदलने,
9 साल बड़ी मेहनत की है, खान साहब आज प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, अब ये नहीं हो सकता कि हम पीछे बैठ जाएं कि जी कि मैं खुद क्यों नहीं कुछ, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं बन सकता, मैं ओहदा नहीं रख सकता, तो मैं काम भी ना करूँ या मैं एडवाइस भी ना दूँ, ये नहीं हो सकता। तो मैं स्ट्रगल करता रहूँगा और खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा हमेशा जब तक उनको मेरी ज़रूरत लगेगी। कभी प्राइम मिनिस्टर ने आपसे मेंशन किया या आपके किसी और साथी ने मेंशन किया, जो कि बहरहाल एक आपके इंपॉर्टेंट कॉलीग है मखदूम शाह महमूद कुरैशी, कहते रहे कि नाम तो नहीं लेते लेकिन वो कहते हैं कि आपको नहीं होना चाहिए इन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, आपको नहीं होना चाहिए, ये एम्बैरेसमेंट है पार्टी की। प्राइम मिनिस्टर ने कभी इस सिलसिले में कोई आपसे बात की है, कभी कोई ऐसी बात हुई है? नहीं, कभी नहीं की, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने तो इसका वाज़ह जवाब दे दिया था कि जब प्राइम मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया था कि मैं काबीना को आके एग्रीकल्चर पॉलिसी और जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए उस पर ब्रीफिंग दूं, तो उसके बाद जब ये एतराज़ हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर ने खुल के कहा था कि ये उनकी सवाबदीद है कि वो जिसको मर्ज़ी बुलाएं और जिसके मर्ज़ी कोई टास्क दें। आई थिंक कि ये बात उसके बाद तो मेरा ख्याल है क्लैरिफाई हो गई थी। लेकिन ये सॉर्ट आउट कैसे होगा तरीन साहब? ये बड़ा बार बार होता रहता है, ख़ासतौर पर मखदूम साहब को बड़ी इसमें रिजर्वेशन रहती है, सामने आती है पार्टी के अंदर जो है, या आप बड़ी यकीनन आप बड़े अरसे से आप ऑब्वियसली आप खान साहब के साथ, जब से मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल उनके राइट हैंड रहे हैं, लेकिन बहरहाल मखदूम साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजिशन है, तो ये सॉर्ट आउट करने की आपने कभी कोशिश नहीं की? ये मुख्तलिफ कोशिशें होती रही हैं, सॉर्ट आउट हो भी जाता है, मगर फिर इस वक्त हालात ये हैं कि आपकी बात सही है, पार्टी में कोई डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, हम सब लोगों को मिल के नए पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। मैं हमेशा तैयार रहता हूं और मेरा ख्याल है इस वक्त पार्टी के में कुछ लोग इकट्ठे भी हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये अनकरीब मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कितने वरिड हैं खुद इमरान खान जो अब तक की उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है? देखें, आपने भी पहले ही कहा, पहले जुमले में आपने कहा कि बिल्कुल मुतमइन नहीं है, चीज़ें नहीं सही हुई हैं, और ये एक रियलाइजेशन होनी चाहिए, कम अज़ कम ये तो आदमी को पता हो कि यार ये सही नहीं हो रहा है। खुद प्राइम मिनिस्टर कितने कंसर्न हैं कि अब तक जो है ये मामलात सही नहीं चले? मैं अस्यूम करता हूँ कि ऑब्वियसली वो कंसर्न है, क्योंकि उन्होंने अपने इतने क्रिटिकल कैबिनेट मिनिस्टर्स को हटा दिया है, वो फाइनेंस मिनिस्टर को हटा चुके हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर को हटा चुके हैं, वो जो उनके इंटीरियर के मिनिस्टर स्टेट थे उसको हटा चुके हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर को वो हटा चुके हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को वो हटा चुके हैं, गोया कि मेरे ख्याल से तो विजिबली वो ये तमाम चीज़ें साबित कर रही हैं कि वो बहुत ही मुतफक्किर हैं। क्या ये सही है? देखें, ये चीज़ शो ये करती है कि प्राइम मिनिस्टर हैंड ऑन है और प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि ये अब चीज़ें मज़ीद, ख़ास तौर पे मईशत जिसको वो ज़्यादा पहले नहीं देखा करते थे, ये ख़ुद हैंड ऑन हो के लीड करेंगे इकनॉमिक टीम को, और ये बहुत खुशाइन बात है। और ये इस वक्त खुद मिल रहे हैं लोगों के साथ, फाइनेंशियल टीम के साथ रेगुलरली मिलते रहते हैं और उनसे मशावरत सुनते भी हैं, उनको मशावरत देते भी हैं, और ये सारी टीम चेंजेस उन्होंने की हैं और किसी मकसद से किए हैं। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैंड्स ऑन इस मुल्क को संभालने के लिए और इस मुल्क को बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। देखें, हम ये काम कर जाएंगे कामरान भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और जो आवाम इस वक्त मेरे बात सुन रही है, मैं सबको ये वाजे तौर पर कहना चाहता हूँ, आप लोग फिक्रमंद सिचुएशन है, मगर हम संभाल लेंगे इसको, अब हम सही सीमत पे निकल गए हैं और हम सब मिल के एक काम कर रहे हैं, और जहाँ भी कोई कोताही होगी हम और भी लोग लेके आएंगे, हम ठीक भी करेंगे, मगर ये याद रखें जो पॉलिटिकल विल हमारे पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। हम वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं करता, हम FBR को रिफॉर्म कर सकते हैं, हम टैक्स लगा सकते हैं, हम टैक्स इकट्ठा भी कर सकते हैं और आपको इकट्ठा करके दिखाएंगे भी सही। हम ज़रात को इन लोगों ने बिल्कुल की तवज्जो नहीं दी थी और इन्होंने इतने डॉलर को ओवर वैल्यू रखा कि तमाम ज़रात जो है वो पाकिस्तान से क्या यकीन बाहर की ज़रात पे, ये ज़रात डेफिनेटली ये आपका बड़ा मजबूत फोर्टे है, इस पर भी हम बात करेंगे, और कुछ दूसरे अहम सवालात हैं इस हुकूमत की, हमें पिछले 9 महीने की कारकर्दगी को जांचना है। जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 माह की हुकूमत, इस दौरान मईशत को जो नुकसान पहुंचा या जो मईशत के मसाइल पैदा हुए, कारोबारी पहिया मुंजमद रहा, मईशत मुंजमद रही, और साख जो नुकसान पहुंचा है PTI की हुकूमत को 9 माह के दौरान, जिसकी वजह से जनाब इमरान खान को अपनी टीम के तमाम कलीदी खिलाड़ियों को तब्दील करना पड़ा है। क्यों नाकामी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्यों उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पाई, इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं जनाब इमरान खान के
अव्वल नायब हैं जनाब जहांगीर खान तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब। ये फरमाइएगा कि जो सबसे बड़ा मसला रहा है, या फिगर आउट क्यों नहीं कर सके, या प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं फिगर आउट कर सके कि हमें मईशत को सुधारने के लिए क्या करना है, क्यों ये डिली डैलिंग होती रही हमारी IMF के साथ। हम दोस्त मुल्कों के पास जाते थे, फिर IMF को किसी तरह से इंगेज करते थे, और जब हम एक्चुअल बात करने IMF के साथ बैठे तो हमें लगा कि हमने तो कोई उनके साथ ग्राउंड कवर भी नहीं किया है, हमने तो ज़ीरो से बातचीत उनके साथ शुरू की है। तो ये 9 महीने तक ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती रही, और प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं ये चीज़ समझ में आई कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। देखें असर ये, मैं इस पर आपको और क्या कहूँ, अच्छी बात यह है कि ये फैसला हो गया है और हम IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। ये काम अब आगे देखते हैं, पीछे देखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, इंशाल्लाह आगे जाके अब ये गैर यकीनी हालात ही तब्दील होंगे। आवाम को पता होगा हम क्या कर रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो आवाम से, आप लोगों से मुखातिब होंगे अनकरीब, और अपना पूरा जो रोड मैप है वो देंगे बहुत जल्द। और इसके अलावा मैं आपको दो तीन और अच्छी चीज़ें बता दूं, जो आप गैर ये जो है ना कि सब कुछ गलत हुआ है, ये भी सही बात नहीं है। इस दफ़ा आप देखें गन्ने के काश्तकार को सब 5 साल में पहली दफ़ा पूरे पैसे मिले हैं, सपोर्ट प्राइस बल्कि उससे भी ज़्यादा। इस दफ़ा गंदम जो 10 साल में पहली दफ़ा ऐसा है कि गंदम को रेट सपोर्ट प्राइस के नज़दीक या सपोर्ट प्राइस जितना या सपोर्ट प्राइस अब तो ज़्यादा हो गया है जो फार्मर को मिला है। बार दाना डिस्ट्रीब्यूशन में बोरियां देने में कोई झगड़े नहीं हुए, कोई लाइन लगी, क्योंकि एक पंजाब हुकूमत जिसको आप सबको बहुत तनकीद करते हैं, उन्होंने बड़ी एक मुस्बत पॉलिसी बनाई, उन्होंने बॉर्डर पहले खोले, उन्होंने आप ये सोचें कि कितनी अच्छी हमारी ये कारकर्दगी है कि तोरखम बॉर्डर जो पहले सिर्फ 8 घंटे के लिए खुलता था, हमने 12 घंटे के लिए खुलवा दिया, जिससे कारोबार के पे बहुत फ़ायदा हुआ है। एक ट्रक का किराया 90,000 रुपया कम हो गया है। इसके अलावा हम अगस्त या सितंबर में इसको 24 घंटे खोल देंगे। ये चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई, ये हमने की यहाँ आके। इतनी ज़्यादा और भी बताऊँ आप, किसने काम हो रहे हैं, हम IT के ऊपर बहुत मैसिव काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला एक इनिशिएटिव लिया जाएगा जिससे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो डिजिटाइजेशन है उसको हम वर्ल्ड क्लास बना देंगे, और ये आपके अगले 6 महीने से 1 साल में ये हो जाएगा, और उसके बाद एक बूम आएगा इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। हम बाहर से बहुत अच्छे लोग, एक्सपीरियंस लोग जो है उनसे हमारे रबते हैं, अनकरीब वो पाकिस्तान आने वाले हैं और ये चीज़ भी शुरू हो जाएगी। इसी तरह एक्सपोर्ट्स के ऊपर बाकायदा एक अमल शुरू है कि हम एक्सपोर्ट्स को कैसे डबल करें, कितने अरसे में डबल हो सकती हैं। गारमेंट एक्सपोर्ट हो गई, आपकी इंजीनियरिंग गुड्स की एक्सपोर्ट हो गई, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हमारी कोशिश है कि जो काम करने वाले लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनके लिए सहूलत होनी चाहिए। उनको यहाँ हर मारे मारे नहीं फिरना चाहिए कि एक ज़मीन नहीं खरीदो तो उसमें मसला, बिजली के कनेक्शन लेने में मसला, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला ठीक कर देंगे। अच्छा ये है बिल्कुल जादू की छड़ी की थी साहब, ये बताइएगा कि एक ये भी ख्याल ये किया जा रहा है कि अपोजिशन के साथ उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप के बगैर तो काम नहीं चल सकता है। ऑब्वियसली एक एहतसाब का और अकाउंटेबिलिटी का प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का एक अपना एक एजेंडा है, सब कुछ है, मगर आफ्टर ऑल ये पार्लियामेंट है, ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें पार्टीज़ को साथ चलना होगा, बहुत सारी चीज़ों पर आपको उनकी मदद चाहिए। तो ये कैसे वर्कआउट करेंगे, ये जो पॉलिटिकल रिग्मरोल है इसको कैसे आप, क्या आपके जहन में है कि ये ऐसी चलेगी? देखें ये मुश्किल सवाल, देखें हम अकाउंटेबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। इस वक्त दोनों पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर बहुत क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कहीं केसेस चल रहे हैं, कहीं सजा हो चुकी है और कहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फॉल्स अकाउंट्स हैं, सब आपके सामने है सारा कुछ, हम उससे तो पीछे नहीं हट सकते। मगर अगर वो उसके होते हुए जो लीडरशिप इसके ऊपर ये सारा इंक्वायरीज़ हो रही हैं और प्रूफ है और ट्रायल्स हो रही हैं, इनके अलावा बाकी पार्टी में सिर्फ 2-3 लोग तो नहीं होते जो हों, अगर इन्होंने ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो उनको सफ़र करना पड़ेगा, मगर उसके अलावा जो लोग हैं जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसके साथ हम काम करने को तैयार हैं, बैठें आके कि मुल्क में बेहतरी कैसे हो सकती है। हम इनके साथ कोऑपरेट करते रह गए हैं कई दफ़ा असेंबली में अच्छे लॉज पास करने में, हमारे साथ आके डिस्कस करें। होता ये है कि ये क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो ये पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं कभी आम तौर पे, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, जैसे शहबाज शरीफ साहब जब थे तो कितनी तकरीरें करते थे और आके पूरे पार्लियामेंट का माहौल ख़राब कर देते थे, इसी तरह बाकी लोग भी यही बातें करते हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इस तरह की बातें ना करें, ऑपोजिशन वाले बैठें,
और सेकंड टीयर लीडरशिप के साथ हमारे साथ मुदाकरात करें, कोई इशू नहीं है, इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं, चलना चाहिए, लेकिन मुल्क की बेहतरी की खातिर। ये फरमाइएगा कि एक और चीज़ जो कि जिसने कि पीटीआई के इमेज के हवाले से बहुत सवाल उठाए हैं, आप मुझे मालूम है प्राइम मिनिस्टर उसको मानते नहीं हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की सिलेक्शन थी जनाब बज़दार की, और वो उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनका ओवरऑल कंडक्ट है, जो ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस एक्सपोजर नॉलेज बैकग्राउंड है, वो सब सामने नज़र आ रहा है और लोग उनको कंपेयर करते हैं। आप शायद नहीं मानेंगे बिल्कुल कि शहबाज शरीफ साहब का साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई उनकी अब उनकी उनके अंदर ना वो एनर्जी है, ना वो उनके अंदर वो स्पीड है, ना वो ना उनकी डिलीवरी है, ना उनकी वो मैनेजमेंट है। तो ये क्या आप ऐसे ही चलाते रहेंगे? मैंने देखा कि पंजाब में आप काफ़ी एक्टिव हैं, तो उसकी वजह क्या है? देखें, कई वजूहात के कई वजहों से ये चीज़ मसला हुआ पंजाब में। कोई ऐसा आदमी को चीफ मिनिस्टर खान साहब नहीं बना सके जो जिनको बनाना चाहते थे, मगर ये है कि वो अवेलेबल नहीं थे। तो जिन लोग उन्होंने बनाया बुज़दार साहब को, बुज़दार साहब जो हैं नए हैं, मगर बुज़दार साहब एक बड़े अच्छे शरीफ आदमी हैं, ऑनरेबल हैं, बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, और खान साहब के लिए इन ये चीज़ सलाहियतें जो हैं बड़ी अहम हैं। ये बेहतर काम बेहतरी की तरफ काम जा रहा है, जैसे जैसे तजर्बा होता जा रहा है, जैसे जैसे काम वहाँ बेहतर हो रहा है। काबीना में भी बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बड़े अच्छे हैं, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ज़बरदस्त हैं, और इस तरह बाकी इसके जो लेबर के हैं, बाकी लोग हैं, यंग टीम है, हेल्थ के मिनिस्टर हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, ये सब लोग मिलजुल के जो है ना अब काम किए जा रहे हैं। एक्चुअली इशू पता है क्या हुआ है? बात ये हुई है कि मईशत के मसाइल की वजह से हम बाकी जो भी काम हो रहे हैं ना वो छुप गए हैं। और एक दूसरी बात यह है कि जो अब आप एक ये जो नून के काम था, एक मईशत का एक ऐसे था जैसे कि एक घोड़ा जो है बेलगाम दौड़ा जा रहा है, उसको कंट्रोल करते करते कुछ वक्त लगता है, और इसको हम कंट्रोल अब कंट्रोल में आ रहा है और बेहतर कर लेंगे, पंजाब में भी बेहतरी होगी, जो प्रोग्राम चल रहे हैं एजुकेशन के, हेल्थ के, और इस हवालों से वो तो आप देखेंगे। मगर आप ये देखें कि हमने लोकल गवर्नमेंट लॉ पास कर दिया पंजाब में, कि कितनी बड़ी कामयाबी है ये। ऐसा लोकल गवर्नमेंट लॉ के ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था। इस 22,000 मौजे यानी कि गाँव, उनको सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगी 6 महीने के बाद, उनको 40 अरब रुपया मिल जाएगा, किसी से नहीं मांगना पड़ेगा, वो अकाउंट खोलेंगे, लाहौर से पैसा आएगा हमारे वादे के मुताबिक। ये बहुत ही एक्सीलेंट लॉ है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो डेवोल्यूशन की जो तो ये माने ना भाई, आप कहते रहते हैं ये भी खराब वो भी खराब, अच्छी चीजें भी हो रही हैं, उनकी बात भी तो करें। नहीं सर, मैं डायरेक्ट इलेक्शन कह रहा हूँ, मगर ये आप उससे कहें कि मैं कहूँ की जी बुज़दार साहब ने कमाल कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। जहांगीर तरीन साहब किधर से क्या कहाँ, ये आप जो थकावट इमरान खान साहब की अपनी कैबिनेट के मेंबर्स के साथ हुई है, हर आदमी पूछता है वो बुज़दार साहब के साथ कब होगी वो थकावट, क्या ये 5 साल चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और क्या वाकई ये इसी वर्थ कीपिंग? इंशाल्लाह जी, देखिए हमें चाहिए ये कि पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ऐसे काम हो कि हम एक नया पाकिस्तान वाकई बना सकें, और लोगों को नज़र भी आए कि हम बना रहे हैं। अभी हमें 10 महीने हुए हैं, अभी हमारे लिए 4 साल और 2 महीने और बाकी हैं, हमारे पास टाइम भी है और हम ये सब काम करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। हर चीज़ मईशत में और डॉलर में फंस के रह गई है, और इससे हम निकल आएंगे, स्टेबलाइजेशन आ रही है, और साथ साथ और काम भी होंगे। लोकल गवर्नमेंट जब आ जाएगी ना, पूरा चीज़ चेंज हो जाएगी। आप ये सोचें कि पंजाब के तमाम गांव में, 22,000 गांव में एक यक मुश्त एक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, अपने लोग खुद फैसले कर रहे होंगे, खुद काम कर रहे होंगे। अल्लाह करेगा ऐसे ही हो। तो ऐसा भी बताइएगा, मुझे पता है कि आपका बहुत फोकस है जो इकॉनमी, बिजनेस और ट्रेड, और ये जो हमारे इश्यूज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है, और ये इसमें हमारा एक बड़ा जो मार्केट में लोगों से आप बात करते हैं उनको ये है कि दो चीज़ें हमारी और हो जाएं जो कि अगले 1 महीने के अंदर होनी है। एक तो ये कि FATF जो FATF वाला मसला है हमारा, ये किसी जगह सेटल हो जाए, और ऑब्वियसली जो हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन हो वो हो जाए, और हमारा प्रोग्राम जो है IMF के वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड से और उसकी मैनेजमेंट से फाइनली अप्रूव हो जाए। ये दोनों चीज़ों के बारे में आपकी अपनी क्या परसेप्शन है, आपको क्या लग रहा है कि ये मरहले कैसे अबूर होंगे? जहाँ तक मेरी मालूमात है, FATF के ऊपर अच्छी पेशरफ हुई है। ये पहली दफ़ा है कि हमने सीरियसली बैठ के FATF को इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में हमने काम किया है, और ये उम्मीद है मुझे कि इसके अंदर बेहतरी आएगी।
जहाँ तक IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड वाली बात का आपने की है, जिस तरह से हम इस वक्त अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं और जो हमने बड़े हिम्मत से फैसले किए हैं, इसके बाद मुझे बहुत उम्मीद है कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। IMF का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और फिर हम उसको पूरी ताकत से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि देखें, ये हमारे साथ कोई एक तरह से ज़बरदस्ती नहीं है, हम एक चाहते हैं कि IMF के साथ हमारी पार्टनरशिप हो, क्योंकि ये सब काम वो हैं जो हम करना चाहते हैं। यानी सर्कुलर डेट को ख़त्म करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। टैक्सेस बढ़ाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। टैक्स नेट को बढ़ाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अपने पाँव पे खड़े होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अपने उतना ख़र्चा करना जितने कि हम कमाते हैं अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये IMF अगर कहती है कि आपको ये करना चाहिए, हम पहले से खुद कहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत थी, हम चाहते हैं। लेकिन तरीन साहब, ये अच्छी बातें, ये सारी अच्छी बातें जो आपने गिनी हैं, ये सारी अच्छी बातों पे अमल हो जाएगा तो आपको पता है ना कि पाकिस्तान का जो गरीब है, पाकिस्तान का जो मुतवस्सित तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो तो बेचारा लेट जाएगा। वो तो जब जब जिस लेवल पर बिजली के दाम जाएंगे, जो गैस के दाम जाएंगे, उसके बाद जो महंगाई होगी, तो वो बेचारा फिर कैसे खड़ा होगा? उसकी तो एक बड़ी हैवी कॉस्ट है ना, आप उसके लिए तैयार रहें। आपको मैं एक अर्ज करूँ, एक तो हमने 80 अरब रुपया मजीद कमिट किया है बिस प्रोग्राम पे, ताकि लोगों को अभी 100 अरब से 180 अरब पे हम ले जाएंगे इसी में। इसके अलावा 216 अरब रुपए की हमने सब्सिडी रखी है, अगले बजट में आ रही है, जो गैस और बिजली की, जो वो लोग जो मेरे ख्याल बिजली के 300 यूनिट यूज़ करने वाले 75% पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। जो गैस की यूज़ करने वाले 40% लोग जो सबसे कम गैस इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। और बजट में 216 अरब रुपये की इसके लिए केटर फॉर किया है, उनका भी हम ख्याल कर रहे हैं। मगर याद रखें, जब ये चीज़ें हो जाएंगी, ये उसके बाद महंगाई भी नीचे आएगी, उसके बाद पैदावार बढ़ेगी, उसके बाद लोगों को नौकरियाँ ज़्यादा मिलेंगी और ये लोग साइकिल से निकल जाएंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। टर्की 2001 में, टर्की का हमसे भी ज़्यादा बुरा हाल था। इसी तरह से वो एक वर्ल्ड बैंक के अपने टर्क सिटीज़न को लेके आए, पूरे रिफॉर्म किए। 2002 में अर्दोगान इलेक्शन जीत के आए, उन्होंने उन रिफॉर्म में और तेज़ी लेके आए। 2002 के बाद से आज तक टर्की का GDP जो है वो 200 अरब डॉलर से 800 अरब डॉलर हो गया, यानी 4 गुना बढ़ गया, यही रिफॉर्म करने के बाद। ये मैं आपको यकीन दिलाऊं, इन रिफॉर्म्स के बग़ैर हम मुल्क को हमेशा परमानेंटली सही रास्ते पे नहीं लगा सकते। ये जो चीज़ है कि कुछ कर लिया, 2-3 साल अच्छे हो गए, अगले 4 साल ख़राब, फिर 2-3 साल अच्छे, अगले 3-4 साल ख़राब, ये एक साइकिल चलती रही है पाकिस्तान में। हमने इस साइकिल को तोड़ना है, हमने ऐसे रिफॉर्म करने हैं जो मुस्तकिल हों, उसके ऐसे रिफॉर्म करने हैं कि उसके बाद जैसे टर्की ने किया, अगले हम 15 साल में 2-4 गुना अगर हम GDP बढ़ा लेंगे तो गरीब आदमी मुतफज़िल तक सबके लिए फ़ायदा होगा। मगर ये बहुत बड़ा अगर है, इसमें जाना चाहिए, ये हमें करना है, ये कैसे जरूरी है, और ये हम आपको करके दिखाएंगे। ये बिल्कुल मैं आपसे पूछता हूँ, छोटा सा वक्फा लेके वापस आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक साल पूरे होने में तकरीबन 2 महीने बाकी हैं, लेकिन अब तक की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। आवाम से पूछें, खवास से पूछें, आम और माहरीन से पूछें, सब ये समझते हैं कि हुकूमत ने उस अंदाज से डिलीवर नहीं किया जैसे तवक्को थी। वादे और उम्मीदों पर हुकूमत पूरी नहीं उतरी है। इमरान खान साहब से जो उम्मीदें थीं, जो उनसे ख्याल था कि वो डिलीवर करेंगे, उनकी वो और उनकी हुकूमत वैसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है और आगे चल के क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम चाहते थे कि जनाब इमरान खान दें, लेकिन बावजूद प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए। लेकिन उनके सबसे खसूसी माविन जनाब जहांगीर खान तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब, बड़ा फोकस है आपसे बात मुसलसल। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, कारोबार हो, मीशत हो, ये सब कुछ चले और उसके लिए भरपूर कोशिशें हो रही हैं, मगर अजीब किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं, सेटबैक्स होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट की और कारोबार की और इसकी बात कर रहे हैं, 10 महीने से जो साहब आपके साथ सुबह शाम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को रन कर रहे थे हारून शरीफ साहब, कल उन्होंने अचानक अपनी पोजीशन छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि जी मैं काम नहीं करना चाहता, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ये किस तरह से अफेयर्स चल रहे हैं? और इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, वो कहता है कि जी कि मेरा आपसे गुजारा नहीं हो रहा और वो छोड़ के चले गए। असलियत यह है कि जो खान साहब की तवक्को थी और जो रजाक दाऊद साहब की तवक्को थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से, वो पूरी नहीं हो रही थी। ये इसलिए तब्दीली लाई गई है,
कहीं कोई भी अगर इंसान जो भी है परफॉर्म नहीं करेगा तो तब्दीली आएगी, और हमें बहुत काम करने हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जहाँ पे हम देखें कि जी बहुत से वादे किए गए थे और फिर आगे काम नहीं हुआ। तो मैं फ्रैंक आदमी हूँ, मैं आपको फ्रैंक बात बता रहा हूँ, ये असलियत है। इसी तरीके से बाकी परफॉर्मेंस जो करेगा परफॉर्म वो चमकेगा, जैसे उमर अयूब साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, बाकी नदीम बाबर साहब हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और बहुत से लोग हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं ले पूरा सब का नाम ही ले सकता, ये लोग सब आगे जाएंगे। और उसके बाद जो मगर अभी अभी ये जो देर नहीं लगाते तब्दील करने, ये जो भी फैसल वाबडा साहब के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके डिक्लेरेशंस, फिर उनके बयानात होते हैं, वो क्या किस किस्म की के बयानात करते हैं, किस किस्म की बातें करते हैं, फिर उनके ये सारे इश्यूज़ जो हैं, ये कोई इंटरनली उनसे पूछा जा रहा है कि वो अकाउंट फॉर करें ये तमाम चीज़ें? ये अभी खबर आई है, एक दो दिन पहले आई है, मैं इसका किसी को पहले पता नहीं था, मगर फैसल वाबडा साहब हमेशा लड़ते रह गए हैं पार्टी के लिए, फ्रंट फुट पे खेलने वाले आदमी हैं, और वो मैं तो समझूंगा नडर आदमी हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की है, टीवी के ऊपर भी सब करते रह गए हैं। बाकी इसके अलावा एज ए मिनिस्टर ऑल्सो उनकी कारकर्दगी वाटर मिनिस्ट्री में बहुत अच्छी थी, डैम्स के ऊपर काम किया, मैंने उनके साथ बैठ के काम किया, तो ये चीज़ जो आई है ये मुझे नहीं पता इसका, मैं इसके ऊपर ज़रूर बात होगी, ज़रूर इसके ऊपर भी देखना चाहिए, मगर इसके अलावा मैं समझता हूँ कि वाबडा साहब चाहे जैसे भी कभी कभी ज़्यादा एग्रेसिवली बात कर जाते हैं, मगर फिर भी वो पार्टी के खैर ख्वाह हैं। लेकिन मगर जहांगीर तरीन साहब, आपने अपनी पूरी गुफ्तगू का 90% हिस्सा जो है आपने सर्व किया है, उस बात को नहीं आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं बता रहे कि आप कितना इस पर कंसर्न है जो ये चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आई हैं ये रिकॉर्ड की बातें आ रही हैं। मैं एज एक्सपीरियंसड जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि ये कोई उड़ी उड़ाई चीज़ें नहीं, ये काफ़ी सॉलिड चीज़ें जो सामने आ रही हैं और मुसलसल आती रहती हैं। मेरी इसके ऊपर डिस्कशन हुई नहीं है, ना फैसल से हुई है, ना मुझे प्राइम मिनिस्टर से हुई है, तो इसलिए मैं इसका मुझे मालूम नहीं। मैंने हाँ मैंने देखा ज़रूर है, इनफैक्ट मैंने ये आज सुबह ही देखा है गौर से, मैं और कामों में बड़ा मसरूफ़ रहता है। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो उसके ऊपर जैसे खान साहब समझेंगे बेहतरी वैसी होगा जी। अच्छा ये फरमाइएगा कि ये जो हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं ये भी 10 महीने हो गए, एक मूवमेंट नहीं है किसी जगह पर भी, ये जो कि जाहिर है कि हज़ार बिलियन ये खाती हैं हमारा, और ये कितनी बड़ी ये वाइट एलिफेंट्स हैं ये जो कि खड़े हुए हैं, और हमें इतना मुश्किल है, हमारी मईशत को इतने बड़े मसाइल हैं और हम इनको फीड कर रहे हैं। ये आपकी हुकूमत का 10वां महीना है, आपने कहा कि जी हम ये मलेशिया का ख़जाना मॉडल लाएंगे, उससे इसको रिफॉर्म करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग ये समझते हैं कि किस कहा पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास इतनी सख्त है कि इनको रिफॉर्म करें, आपको कुछ ना कुछ बेहतर करके इनको प्राइवेटाइज करना होगा, इनको उठा के फेंकना होगा। क्या अभी तक इस हवाले से क्या आपकी क्या सिमत है, आप क्या कर रहे हैं इसमें, क्या डायरेक्ट करें, क्या आपकी एडवाइस है गवर्नमेंट को? मेरा जो ज़ाती राय ये है कि ये जो सरमाया पाकिस्तान और ये ख़जाना मॉडल था ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा। मेरी ज़ाती राय यह है कि हमें बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ बल्कि जो आपने अभी फरमाया कि हमें एक्शन लेना चाहिए, जो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं उनको ठीक करें, जो हम चीज़ें नहीं ठीक कर सकते उनको हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करें या हम प्राइवेटाइज करें, मगर उसके ऊपर हम टाइम ज़ाया ना करें। लेकिन होता यह है कि हमने 1000 काम करना है मुल्क को ठीक करने के लिए, उसमें से अगर हम ये इजाफी काम अपने ज़िम्मे ले लेंगे, अब इनको भी अगर आप खुद ही ठीक करें और प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ना करें तो ये काम नहीं चलेगा। जो कई अहम चीज़ें हैं जैसे पाकिस्तान की एयरलाइंस हैं, बाकी ऐसी OGDC है, PPL है, मुनाफा कमा रहे हैं, इनको रखना चाहिए बल्कि और बेहतर करना चाहिए, मगर वो चीज़ें जो सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रही हैं उनसे तो जितनी जल्दी हम छुटकारा हासिल करें उतना अच्छा। मगर मेरी ज़ाती राय है, मेरे ऊपर मैं अभी टीम के साथ मेरी किसी से बात इसके ऊपर नहीं हुई है, मगर मैं ज़ाती राय में पर इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। मगर एक और बात देखें आप कि इस वक्त डिस्को जो बहुत ज़बरदस्त लॉसेस कर रही थी, अब ये अक्टूबर पिछले साल से लेके जून 2020 तक 200 अरब रुपए तो हम रिकवर कर लेंगे ना, इसके अलावा हम जो स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं तो हम इनकी लॉसेस और कम कर देंगे। मगर लॉसेस कम करने के बाद ये मैं बिलीव करता हूँ कि हुकूमत का काम बिज़नेस करना नहीं है, ना इनको करना चाहिए, और ये सरमाया मॉडल जो है शायद कामयाब हो जाता है, मगर जितना वक्त लगेगा इनको सबको समझना समझते हुए। अभी तो बोर्ड एक बना है, उसकी एक मीटिंग हुई है, ये आपका टाइम ही गुजर जाएगा, 25% टाइम तो आपका, 20% टाइम तो आपका गुजर गया है, और ये एवरी डे हम अपने पास से पे कर रहे हैं,
जो ब्लीडिंग हो रही है उस वो मुसलसल जारी है। ये प्राइवेटाइजेशन वगैरह क्या ये आपके कभी ख्वाब व ख्याल में बात नहीं आ रही? क्योंकि 11 महीने में तो मैंने कोई बात नहीं सुनी है, मैं यही सुनता रहा हूँ कि ये भी रिफॉर्म हो जाएगी, ये भी रिफॉर्म हो जाएगा, खजाना मॉडल बन जाएगा और मलेशियन मॉडल सरमाया मॉडल काम करेगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन वगैरह ये आपके अभी तक आपके एजेंडा में शामिल नहीं है? नहीं जी, मेरा ख्याल में जो नई टीम आई है फाइनेंशियल टीम, ये इसको असर न देखेगी और मैं आपको मेरा उम्मीद है कि मुस्बत फैसला करेगी। मगर ये जो ये ब्लीडिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं हो सकता कि हम बाकी सब तमाम काम जो है वो बेहतर कर लें, टैक्स ज़्यादा ज़्यादा जमा करें, खर्चे कम करें, फिस्कल डेफिसिट भी कम करें, मगर ये लीकेज चलती रहे ये सही नहीं होगा और इसमें ज़रूर तब्दीली आएगी। इस फिलॉसफी में, सरमाया की फिलॉसफी में, इनको इन स्टेट ओन एंटरप्राइज को कैसे हैंडल करना है, मुझे लगता है कि नई फाइनेंशियल टीम एक नई पॉलिसी बनाएगी। तहरीर साहब, आपके जहन में क्या है? एक पाकिस्तान का एक शहर है जिसने कि PTI को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा उसको वोट दिए, आपके प्रेसिडेंट को, आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को, कराची शहर ने ज़बरदस्त थंपिंग उसकी सपोर्ट थी और उसकी वजह यह थी कि उन्होंने इंतखाब किया था MQM की जगह, उस MQM की जगह जो अल्ताफ हुसैन की MQM थी कि वो PTI को वोट देंगे, उसकी उनको उम्मीदें थी, उनको ख्याल था कि फिर PTI लुक आफ्टर करेगी, इमरान खान लुक आफ्टर करेगा या इमरान खान ओन करेंगे कराची को। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये उस तरह की ना प्रेफरेंस है ना उसकी तवज्जो है और ज़ाहिर है कि यहाँ पे एक टिपिकल पॉलिटिकल माहौल है क्योंकि ये सिंध के शहरी इलाके पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते हैं, उनको वो बॉदर नहीं करते हैं, मगर ये शहर है जो कि 98% जो है वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है सिंध के और 70-60% पाकिस्तान के, मगर शहर का हाल आप देख रहे हैं। तो ये एक आपकी पार्टी में आप लोग जब बैठते हैं तो इसके लिए मुझे मालूम है जो ऐलानात और ये बयानात आते रहते हैं, मगर आपको पता है कि ये सब इसकी कोई इतनी मजबूत वर्थ नहीं है। क्या आप खुद सोचते हैं इस बारे में? देखें, कराची ने जो कमाल की सपोर्ट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या अमेजिंग रिजल्ट दिया है और हमें इसके ऊपर हमारी बहुत भारी जिम्मेदारी है कि कराची के हम के लिए बेहतरी करें और कराची का शहर जैसे आपने कहा एक इंजन है सारे पाकिस्तान को आगे लेके चलता है। अब हमारा वहाँ बहुत बड़ा मसला यह है कि सूबाई हुकूमत का ज़्यादा अमल दखल होता है एक शहर की गवर्नेंस में। हमें एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर जो भी काम करेंगे सूबाई हुकूमत के बगैर हम नहीं कर सकते। हमारी कोशिश ये है कि कराची को सूबाई हुकूमत के साथ मिल के काम करना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये है कि हम ये ज़रूर करें और हम डिलीवर करें कराची को, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त जो मैंडेट मिली है अगर हम नहीं करेंगे तो ये वो हमारे अपने वोटर के साथ ज़्यादती होगी और वोटर जो है ना अगर आप उनको ख्याल ना करें तो फिर वो आपका बाद में ख्याल नहीं करते। तो मगर मसाइल बहुत हैं वहाँ पर कराची में। देखें, हर शहर दुनिया का चलता है अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। इस वक्त चेन्नई में $1 बिलियन इकट्ठा होता है UITP का। इस वक्त बेंगलोर में $225 अरब इकट्ठे होते हैं, $225 मिलियन इकट्ठे होते हैं इस टैक्स में। कराची में सिर्फ $21 मिलियन इकट्ठा होता है, कामरान भाई 21। तो ये चीज़ जो है ना ये सूबाई हुकूमत ही सीख सही कर सकती है, मगर हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। हमने पंजाब में बाकायदा मॉडलिंग शुरू कर दी है, KPK में शुरू हो गया काम कि अर्बन टैक्स जो है इसको हम रैशनलाइज करें, इसको हम बढ़ाएं और हम इसको IT का इस्तेमाल करें। ये जो एक इंस्पेक्टर जाता है अपनी मर्जी की चीज़ें भर आता है, किसी के टैक्स माफ़ किसी का टैक्स ज़्यादा, ये चीज़ इससे हम बाहर निकलें। तो ये बहुत से काम हैं करेंगे, मगर कराची का ख्याल करना अशद ज़रूरी है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम सफ़र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। जहांगीर खान तरीन डिफेंड कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और अब भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक होकर जनाब जहांगीर खान तरीन सामने आ गए हैं। इमरान खान के बहुत ही क्लोज इस वक्त वो नायब हैं और तमाम अहम मामलात खासतौर पर मईशत कारोबार बिजनेस से रिलेटेड मामलात में उनका बड़ा कलीदी किरदार है, एग्रीकल्चर में बहुत कलीदी किरदार है। बाकी चीज़ें आपने देखा कि जहांगीर खान तरीन एनर्जी में भी हैं और इसके अलावा IT सेक्टर के अंदर उन्होंने बहुत तफसील से तमाम सूरत हाल बताई है, गोया के बहुत ही मुतहर्रिक अंदाज में और बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाज में जहांगीर खान तरीन अब हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं और इमरान खान के एक बहुत ही करीबी मोतमिद नायब की हैसियत से फुल टाइम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत, अल्लाह हाफिज़। नासिर
Hi, it's Sayed Ashnaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.